गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर अकेडमी स्टूडेंट नांगली। आज हम लोग रीजनिंग का वेन डायग्राम टॉपिक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बताया पिछले लास्ट वाली वीडियो में बताया होगा आपको कि हमारे टाइम में वेन डायग्राम पे 4 से 5 क्वेश्चन आया करते थे जिस टाइम 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था। बट आजकल जैसे 100 मार्क्स का है तो उसके अंदर वेन डायग्राम से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, यहां आपको डायग्राम दिए हुए हैं, नीचे एक क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन सा डायग्राम इसका बनेगा, तो आप बना के देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर मेल और एक्टर। इसमें पूछता कौन सा डायग्राम हमारा राइट बनेगा, डॉक्टर मेल और एक्टर। अब देखिए जरा, एक्टर, एक्टर क्या होते हैं, सारे के सारे मेल होते हैं। ठीक है, क्योंकि फीमेल को क्या कहा जाता है, जो हीरोइन होती है उनको ज्यादा एक्ट्रेस कहा जाता है। ठीक, एक्टर है, इसका मतलब सारे के सारे मेल हैं। इस तरह से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये मेल के लिए। अब डॉक्टर, डॉक्टर में से कुछ जो होते हैं वो मेल होते हैं, कुछ फीमेल होती है। ठीक है, तो डॉक्टर में से कुछ मेल हो गए, कुछ फीमेल हो गए। ये मत मान के चलना भाई मैंने इसमें ये बड़ा डायग्राम छोड़ दिया फीमेल के लिए, ये छोटा डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इस तरह से मैं डायग्राम बना देता हूं, ये वाला 50-50 का बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा जितने भी एक्टर हैं सारे के सारे मेल हैं, और मेल में से कुछ जो है डॉक्टर भी होते हैं, कुछ फीमेल डॉक्टर होती हैं। तो इसमें जो हमारा डायग्राम आएगा, ऐसा कोई डायग्राम हमारा बना हुआ नहीं है, तो एक नया डायग्राम हमारा तैयार होता है। इस डायग्राम को आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से, समझ रहे बात। मैं यहां पे ई पोर्शन एक बनाना पड़ेगा मुझे यहां पे, तो मैं पहला वाला हटा देता हूं, ये वाला डायग्राम यहां बना देता हूं, इस तरह का जो अभी हमारा तैयार हुआ है डायग्राम, ये वाला। ठीक है, ये हमारा जी तक था, ये एच डायग्राम तैयार हुआ, समझ रहे हैं बात। अगला आता है सेकंड वाला हमारा, वीट ग्रेन्स और मेज। वीट क्या होता है बेटे बच्चों, गेहूं, गेहूं अनाज, और मेज होता है मक्का। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, हमारा ये वीट है और ये मेज है, और बोथ आर ग्रेन, ये एक डायग्राम बनता है। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा राइट, ए हमारा ऑप्शन राइट बैठेगा। ठीक है, अगला है कॉपर पेपर और वायर। ठीक है, अब देखिए कॉपर पेपर तो अलग चीज हो जाती है। ठीक है, अब कॉपर है, इसी का हम थोड़ा वायर बना लेते हैं। ठीक है, अब कुछ कॉपर का वायर बनता है, कुछ अन्य चीजें बनती हैं, मूर्ति वगैरह हैं, अन्य चीजें कॉपर की बनेगी, कुछ कॉपर का वायर बन जाएगा, कुछ वायर कॉपर की होती है, कुछ अन्य धातुओं की होती है, ठीक है, मेटल की होती है, और पेपर अलग है। तो हमारा एक डायग्राम ये तैयार होता है। मुझे लगता है कि ऐसा भी कोई डायग्राम नहीं बनाऊंगा, नया डायग्राम हमारा तैयार हुआ, ये हमारा डायग्राम तैयार हुआ। ठीक है, आई ये वाला। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन करते हैं नए नए डायग्राम हमारे बनते चले जाएंगे। देन हमारा सन मून और स्टार। सन का मतलब सूर्य, मून का मतलब चंद्रमा, ठीक है, और स्टार का मतलब तारे। ठीक है, अब इसमें क्या डायग्राम बनता है, जैसे बच्चे जो है ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसमें ये सन है, ये मून है, और ये स्टार है। भाई ये तो हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा चंद्रमा, और ये हो गए तारे। ठीक है, जबकि ये डायग्राम रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, हमारा इसमें डायग्राम बच्चों क्या बनता है, ये सन आ गया। ठीक है, सन क्या है, एक स्टार है, अपनी ही रोशनी से चमकता है, सन एक स्टार है, और मून हमारा अलग आ जाता उपग्रह है। तो ये वाला डायग्राम राइट बैठेगा, ये डायग्राम हमारा ई बनेगा। ठीक है, ये अगला है हमारा ब्रिंजल मीट और वेजिटेबल। ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन, मीट मांस, और वेजिटेबल हमारा सब्जियां। ठीक है, अब ये ब्रिंजल जो है एक वेजिटेबल है, और मीट अलग आ जाता है, ये डायग्राम हमारा तैयार होगा। ठीक है, ऑप्शन इज कौन सा ऑप्शन बनेगा, ई पार्ट हमारा बनेगा। ठीक है, देन आता है रोहतक, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, ये है, जब भी मैं ये डायग्राम वाला टॉपिक क्लास में कराता हूं तो बच्चे इस पे सबसे सही आंसर देते हैं, ज्यादातर हरियाणा बहुल से के बच्चे आते हैं हमारे पास। ठीक है, यहां बनाते हैं रोहतक, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, ये है। चलिए अगला है डिजीज, लेप्रेसी और स्कर्वी। ठीक है, डिजीज क्या होते हैं, बीमारियां, लेप्रेसी और स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है, सूखा रोग होता है, लेप्रेसी हमारा कोड होता है। ठीक है, ये है। तो देखो
ये लेप्रेसी है, ये स्कर्वी है, बोथ आर डिजीज, रोग है, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम तैयार होता है, समझ रहे हैं बात, ठीक है। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको हटाता हूं, अभी आपके लिए नए क्वेश्चंस लिखूंगा, पहले डायग्राम बना लेते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये। चलिए अगला है एट्थ वाला, पेंसिल, स्टेशनरी और जीप, ठीक है। अब देखो ये पेंसिल है, पेंसिल क्या है, एक स्टेशनरी में आता है, ठीक है ये, और जीप अलग आ जाता है। तो हमारा एट का ये वाला हमारा एक डायग्राम तैयार होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर जो रहेगा वो आंसर रहेगा ई पार्ट। देन है याक, जेब्रा और बियर। याक आपने पढ़ा होगा एबीसीडी जब हम लोग जाते हैं, डब्ल्यू फोर याक, और जेब्रा आपको मालूम ही है, ठीक है, धारी धारियों वाला घोड़ा होता है, ठीक है ये है। और बियर क्या होता है, बियर होता है भालू, ठीक है, बियर का मतलब सहन करना भी, बियर का मतलब भालू भी। तो याक, जेब्रा और बियर, ये हमारा एक डायग्राम तैयार होता है। तीनों ही अलग अलग है, ठीक है। अगर वो एनिमल लिखा होता तब हम लोग इसको इसमें कर लेते, इस तरह का बना लेते, ठीक है, बट तीनों ही जानवर दे रहा है तो ये इस तरह का डायग्राम हमारा तैयार होगा। अगला है सन, प्लेनेट और अर्थ, ठीक है। अब देखो सन क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये अर्थ है, और अर्थ का एक प्लेनेट है, ग्रह है, ठीक है ये है। तो ये सन आ गया, ये अर्थ है, और अर्थ एक प्लेनेट है, तो हमारा जो डायग्राम तैयार होगा ई डायग्राम तैयार होगा, ठीक है। अगला है रोज, फ्लावर और लोटस, ठीक है। अभी हम लोग इसको यहां करते हैं, रोज, लोटस और फ्लावर्स, रोज और लोटस बोथ आर फ्लावर्स, ठीक है, ये वाला डायग्राम हमारा तैयार होता है, ठीक है ये है। अगला वाला करते हैं हम लोग, गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट्स, ठीक है। हम लोग 12th कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट्स, देखिए जरा, ये गोल्ड है, ये ऑर्नामेंट्स है और ये सिल्वर है। ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं, आभूषण होते हैं, ठीक है ये है। आपने एक सुना होगा ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, सौंदर्य को आभूषणों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आपका इंग्लिश में एक आता है, ठीक है। तो गोल्ड, सिल्वर और ऑर्नामेंट्स, गोल्ड है, सिल्वर है, ये ऑर्नामेंट्स है, ठीक है। अब देखिए गोल्ड सोने का कुछ भाग जो है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स में यूज होता है, कुछ अन्य चीजों में यूज होता है, ठीक है। गोल्ड को हम दवाइयों में भी यूज करते हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना सोना चांदी च्यवनप्राश, ठीक है, तो हाँ हमारा दवाइयों में आयुर्वेद में भी यूज होता है, ठीक है। ऐसे सिल्वर का ऑर्नामेंट्स में भी यूज होता है, अन्य चीजों में भी यूज होता है, सिक्के भी बनते हैं, ठीक है ये है। अभी क्या है, ऑर्नामेंट्स अन्य धातुओं के ही बनते हैं, तो हमारा ये वाला डायग्राम बनता है, ठीक है ये वाला, इस तरह का एक डायग्राम तैयार होता है। ये हमारा डायग्राम यहाँ पे जी पार्ट में है, ठीक है, तो जी पार्ट में हमारा ये डायग्राम है, ठीक है। अगला करते हैं डॉक्टर, नर्स और ह्यूमन बींग्स, ठीक है, डॉक्टर्स, नर्स और ह्यूमन बींग्स। अब देखिए ये क्या है, डॉक्टर और नर्स जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो हमें लगता है दोनों ही क्या है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जो कि रॉन्ग है, ठीक है ये है। यहां पे आ रहा है डॉक्टर और नर्स, प्रोफेशन तो एक है बट डॉक्टर पोस्ट अलग है, नर्स की पोस्ट अलग है, ठीक है, ठीक है कि दोनों मेडिकल से रिलेटेड है। अब ये क्या है, आगे है डॉक्टर, नर्स और ह्यूमन बींग्स, बोथ आर ह्यूमन बींग्स, मानव है, तो ये वाला डायग्राम हमारा तैयार होता है, डायग्राम इज डी ए पार्ट। लास्ट वन जो 14 है हमारा, बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। ये देखिए बॉटनी क्या होता है, बायोलॉजी को हमारा जीव विज्ञान होता है, ठीक है, बॉटनी क्या है हमारा, बॉटनी है हमारा प्राणी विज्ञान, ठीक है, सॉरी बॉटनी है हमारा वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी है हमारा प्राणी विज्ञान, ठीक है। तो ये क्या है, बायोलॉजी के दोनों ही पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, तो हमारा ये वाला डायग्राम तैयार होता है, ठीक है। अभी हम लोग 15 अभी जो हम लोगों ने ये समझा है, अभी मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ करवाता रहूंगा, ठीक है, साथ साथ हम लोग डायग्राम बनाते रहेंगे, अलग से बना लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। अभी हम लोगों ने किया है हमारा बायोलॉजी तक हम लोगों ने कर लिया था, अगला लिखते हैं हम लोग वेजिटेबल, ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर, ठीक है, कॉलीफ्लावर और ब्रिंजल, ब्रिंजल क्या होता है, बैंगन है, और कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर होता है फूल गोभी, और कैबेज होता है बंद गोभी, ठीक है। अभी दोनों ही क्या है, वेजिटेबल है, ठीक है, तो ब्रिंजल और कॉलीफ्लावर बोथ आर वेजिटेबल, तो ये डायग्राम बनेगा। अगला लिखते हैं हम लोग स्पैरो, बर्ड्स और माइस, ठीक है, स्पैरो, बर्ड्स और माइस, माइस क्या होता है, चिड़िया होती है, ठीक है, और स्पैरो, बर्ड, स्पैरो चिड़िया, बर्ड
पक्षी और माइस अलग, तो ये वाला एक डायग्राम तैयार हुआ। भाई जो बर्ड है स्पैरो है, ठीक है, स्पैरो क्या है, एक बर्ड है, पक्षी है, और माइस चूहिया अलग है, तो ये वाला डायग्राम हमारा तैयार होता है। समझ रहे हैं बात। नेक्स्ट है हमारा एंटी सोशल एलिमेंट्स, पिक पॉकेट्स और ब्लैकमेलर्स। ठीक है, ब्लैकमेलर्स क्या होते हैं, जो किसी को ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, ब्लैक मेलर्स, पिक पॉकेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं जेब कतरे। ठीक है, पिक पॉकेट, जेब कतरे, और बोथ आर क्या, एंटी सोशल एलिमेंट है, एंटी सोशल एलिमेंट्स। ठीक है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये वाला हमारा डायग्राम बनता है। कई बार क्या होता है, ब्लैकमेलर्स और पिक पॉकेट्स, ये एंटी सोशल इस तरह से ही बन सकता है। तो ये दोनों ही हमारे राइट है, बट अगर ये वाला डायग्राम नहीं मिलता, ये मिलता तो इस पे भी लगा देना, क्योंकि जो ब्लैकमेलर होते हैं वो भी जेब कतरे हो सकते हैं, या जेब कतरे भी ब्लैकमेलर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये आंसर है, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो आप लोग इस पे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं कुछ डिफरेंट देख रहा था जो आपको नहीं कराए होंगे। जिन बच्चों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है वेन डायग्राम का, वो पहले वाला मैंने लिंक दिया हुआ इस वीडियो के नीचे। ठीक है, तो उसको क्लिक करके पार्ट वन भी इसका देख लें, उसमें मैंने ज्यादा स्टडिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा कराए हैं। ठीक है, अगला है हमारा कैरेट, फूड और वेजिटेबल। ठीक है, मैं नंबरिंग लिख देता हूं इसका, कोई बात नहीं, थोड़ा अलग है, कैरेट, फूड और वेजिटेबल। ठीक है, कैरेट, फूड और वेजिटेबल्स। ठीक है, अब देखिए इसमें ये थोड़ा अलग था इसलिए मैंने ये लिखा। कैरेट क्या है, कैरेट क्या होता है, कैरेट होता है गाजर। ठीक है, तो कैरेट क्या है, एक वेजिटेबल है, और वेजिटेबल जितनी भी वेजिटेबल होती है वो सारी की सारी फूड में आती है। एक अलग से हमारा डायग्राम तैयार होता है, कैरेट, फूड और वेजिटेबल, कैरेट, वेजिटेबल और फूड, आई जे, ये जे पार्ट हमारा तैयार हुआ। ठीक है, तो बच्चों पार्ट वन भी देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट वाला लिखते हैं हम लोग, पिजन, डॉग्स और बर्ड्स। ठीक है, पिजन, डॉग्स और बर्ड्स। अब पिजन क्या है, एक बर्ड है, और डॉग अलग से आता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ अलग होगा, मैं इसमें एक बार नजर मार लेता हूं। हाँ, वीमेन, मदर और विडोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले आ चुका है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। इसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं बच्चों के। 16 विमेन, मदर और विडोज, बना के देखिए जरा आप, विमेन, मदर और विडोज। थोड़ा डिफरेंट था इसलिए मैंने करवाया इसको। अब देखिए, विमेन महिलाएं, मदर ठीक है, मां और विडोज। ठीक है, अभी क्या है, हमें पता है मदर और विडोज बोथ आर विमेन। ठीक है, ये है, अभी क्या है, हम लोग इसको बनाएंगे, ये है मदर और ये है विडोज, बोथ आर विमेन। इसको बहुत ध्यान से समझना आप लोग बच्चों। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती के चांसेस बच्चों के बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए मैं करवा रहा हूं इसको। अभी देखिए, ये जो मदर हैं, इनमें से कुछ सुहागन होती हैं, कुछ विडो होती हैं। ठीक है, ये है, और कुछ विडो के बच्चे होते हैं वो मदर होती हैं, कुछ विडो मदर नहीं होती, बट बोथ आर विमेन, सारी की सारी विमेन है। इसमें गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने इसको कराया, क्योंकि हम लोग जब क्लास में कराते हैं बच्चों के ये बहुत गलत होते हैं। ठीक है ना, ये तो इसको करना बच्चों। अगला है बॉडी, हैंड और फिंगर, लास्ट कर रहे हैं हम लोग, बॉडी, शरीर, हैंड और फिंगर। ठीक है, ये अब देखिए, शरीर है, बॉडी है, इसमें हैंड है, हाथ है, और हाथ में फिंगर्स हैं, तो ये वाला हमारा डायग्राम तैयार होगा, डायग्राम नंबर जी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर योर कॉपरेशन। जिन बच्चों ने वेन डायग्राम का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट को देख लें। ठीक है, मैंने इसके नीचे उसका लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा।
थैंक यू स्टूडेंट, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो हम लोग डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स स्टूडेंट, बेस्ट लक।